स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की साइंस का चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2, विच इज वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में बहुत ही मतलब लाइक मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके ज्यादा मार्क्स के आ सकते हैं, ठीक है, आपको मतलब लाइक ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब पार्ट 2 में हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है हमारी, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट 2 है, ओके। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? ग्राउंड वाटर, ओके। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर हमने वाटर साइकिल में देखा था, अब हम लोग उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ग्राउंड वाटर क्या होता है? ग्राउंड वाटर मतलब ग्राउंड के अंदर जो पानी होता है उसी को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी के नीचे जो पानी होता है, ओके, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। लेकिन ग्राउंड वाटर के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एंड उसका टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप लोग को ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या है? ट्रीज़ हैं, क्लाउड्स हैं जहाँ से रेन हो रहा है, देन यहाँ पे ग्रासेस हैं, एंड ये क्या बना रहे हैं यहाँ पे हमारे पास? एक दिस इज़ अ पॉन्ड, ओके। सो ये जो मतलब बारिश होने की वजह से कहीं कहीं एरियो में गड्ढा बन जाता है, जहाँ पे पानी जब कलेक्ट हो जाता है तो वो एक पॉन्ड बन जाता है। एंड यहाँ पे आपको ये जो बड़े बड़े रॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, जितने भी रेड रेड कलर की यहाँ पे चीज़ें, सब कुछ रॉक हैं, आप ये मान लो। अब यहाँ पे देखो आपको बहुत बड़े 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 रॉक्स दिख रहे हैं, एंड रॉक्स के बीच में आपको इस ब्लू कलर का एक लाइन दिख रहा है जिसके यहाँ से कुछ ट्रीज लाइक ऐसे स्ट्रक्चर बना रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं से पानी सीप होकर आ रहा है ना, एंड नीचे की तरफ भी सेम स्ट्रक्चर्स हैं। अब उसके नीचे आप देखो थोड़े और हार्ड रॉक हैं, ठीक है, जो मैंने जिगजैग पैटर्न बनाया है वो और हार्ड रॉक है, एंड उसके बीच में फिर पानी है, फिर यहाँ पे क्या है, और भी ज़्यादा हार्ड रॉक्स हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर को लेके हम लोग पूरे ग्राउंड वाटर को समझेंगे। तो ग्राउंड वाटर में पहला चीज़ क्या आता है? ग्राउंड वाटर हमने समझ लिया। सेकेंड यहाँ पे क्या है? वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होता है? वाटर टेबल मतलब वो भी ग्राउंड के नीचे ही होता है, लेकिन क्या होता है ये? ये होता है द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज नोन एज ए वाटर टेबल। जो अपर लिमिट होता है ना, मतलब जो सबसे ऊपर रहता है, ग्राउंड वाटर में भी ना दो होता है, एक एक्वीफायर होता है और एक होता है वाटर टेबल। एक्वीफायर जो नीचे आपको दिख रहा है ये है, थोड़ा और डीपन है, एंड जो वाटर टेबल होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, अपर लिमिट पे होता है, ठीक है। आप उसको मतलब लाइक थोड़ा सा डिक करोगे, थोड़ा मतलब यहाँ पे थोड़ा नहीं है, आप डिक करवाओगे, ठीक है, तो बहुत डीप जाओगे तो आपको ये मिलेगा, और अगर और भी डीप जाओगे तो आपको फायर्स मिलेंगे, उनके बारे में भी हम समझेंगे। तो जो अपर लिमिट में होते हैं वो होते हैं हमारे क्या? वाटर टेबल, ठीक है। सो ये एक टाइप का पाइप बन जाता है पूरे एरिया में, ठीक है। इस ये मतलब यहाँ पे पानी कैसे पहुँचा, अब आप ये समझो, यहाँ पे पानी पहली बार ऐसे पहुँचा कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लो रेन हो रहा है, तो रेन हो रहा है तो क्या होगा, जितने भी हमारा मिट्टी होता है उसके अंदर जितने भी, मान लो इस एरिया में, आपको ब्लू कलर से दिखाती हूँ, इस एरिया में मान लो क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं, तो इन रॉक्स के बीच में जितना स्पेस होता होगा वहाँ से ट्रैवल करके ये लोग इस एरिया में आके कलेक्ट होते हैं। देखो हर जगह से स्पेस बनता होगा, तो यहीं से ये लोग ट्रैवल करके यहाँ पे इस एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ से थोड़ा थोड़ा स्पेस बचता होगा, मतलब पानी को अंदर सीप इन होने में, सीप करने में जहाँ जहाँ से मदद मिलती होगी, तो वो अंदर आके इस एरिया में कलेक्ट हो जाते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया में आके कलेक्ट हो जाते हैं हर जगह से सीप कर, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स के अंदर से जाकर। और यही जो सिस्टम, मतलब ये जो प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन नहीं, इनफिल्ट्रेशन, IN। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे रॉक्स के बीच में से जब बारिश होता है तो यहाँ से सारा वाटर सीप इन होके जो वाटर टेबल में आता है, तो इस प्रोसेस को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ये हमने समझ लिया क्या होता है, सीपिंग ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन टू द ग्राउंड इज इनफिल्ट्रेशन। वाटर टेबल भी हमने समझ लिया, जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, रेन होता है तो बहुत ज़्यादा जो पानी होता है वह हमारे पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, जो पॉन्ड होते हैं ना उनके अंदर ये जो मतलब जो गड्ढे बन जाते हैं, तो उसके अंदर जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली पानी इकट्ठा होगा। और जब ये गड्ढे बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जब गड्ढे बनते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जितना भी वाटर होता है, मतलब ये जो गड्ढे होते हैं थोड़ा सा डीप होते हैं ना, तो इसके अंदर जितना भी वाटर होता है ये भी सीपिंग के प्रोसेस से हमारे वाटर टेबल के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर ये गड्ढे क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कभी वो इवेपोरेशन के थ्रू सूख जाएंगे, या फिर क्या होगा, वो अंदर डीप में सीप कर जाएंगे, ठीक है, वाटर टेबल के अंदर आ जाएंगे, ओके। सो यहाँ तक हमने प्रोसेस क्लियर कर दिया वाटर टेबल क्या होता है, और ये किसके वजह से होता है, क्लाउड जब रेन करते हैं तो उसके वजह से हर साल
जब मॉनसून सीजन आता है तो वाटर टेबल रिचार्ज होता है, आपके टेक्स्ट बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, व्हाट इज दैट, रिचार्ज, ठीक है, रिचार्ज होता है आपका जो वाटर टेबल होता है वो रिचार्ज होता है, मतलब जैसे आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो उसको रिचार्ज करने के लिए हर साल मॉनसून आता है आपके वाटर टेबल को रिचार्ज करने के लिए, तो ये भी वर्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ओके, यूज़ करने के लिए आपके एग्जाम में भी यूज़ कर सकते हो आप, ये वर्ड बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट आता है एक्वीफायर्स। अब एक्वीफायर्स क्या होता है, वाटर टेबल तक का कॉन्सेप्ट हमने क्या कर लिया यहाँ पे, समझ लिया, ये हमारा वाटर टेबल था, इस वाटर टेबल तक का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब क्या होता है जब हम और भी क्या जाएंगे, डीपर जाएंगे, हार्ड रॉक्स के पास आएंगे, ये जो zigzag पैटर्न दिख रहा है डेट इज़ आर हार्ड रॉक, बहुत ही ज़्यादा हार्ड रॉक। अगर आप वाटर टेबल के भी अंदर जाओगे और भी अंदर जाओगे तो आपको एक और ऐसा ही, मतलब लाइक जैसे पाइप जैसा फॉर्म, मतलब एक लेयर बनता है ना वाटर का, तो अगर आप और भी ज़्यादा डीपर जाओगे, हार्ड रॉक के अंदर जाओगे, मतलब दो हार्ड रॉक के लेयर्स के बिटवीन में जाओगे, तो क्या होगा, वहाँ पे एक और लेयर आपको दिखेगा जो क्या होगा, एक्वीफायर्स। अब एक्वीफायर्स कैसे फॉर्म होंगे, अब इनका तो कोई सोर्स नहीं ना, यहाँ से है सोर्स, अब देखो यहाँ से पॉन्ड और बारिश की वजह से वाटर टेबल में सब कलेक्ट हो गया, एंड क्या होता है वाटर टेबल में से भी क्या होता है ना, बहुत सारे क्या होते हैं सीपिंग एरियाज होते हैं, मतलब वाटर टेबल भी कहाँ है, मिट्टी में ही है ना, तो उसके नीचे भी जितने भी रॉक्स होंगे उन सब के अंदर से वो सीप करके कहाँ पे आते हैं, हार्ड रॉक्स के अंदर से सीप करके वो एक और लेयर बनाते हैं जिन्हें हम एक्वीफायर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एरिया से भी जब पानी भर जाता है तो क्या होता है, और भी अंदर सीप करके एक और लेयर में चले जाते हैं, तो वो होता है हार्ड रॉक्स के अंदर जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्वीफायर्स। एक्वीफायर्स पे हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये तीनों मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राउंड वाटर के, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट कि अब ना हमने देख लिया कि व्हाट इज ग्राउंड वाटर, ओके। सो ग्राउंड वाटर के हमने देख लिया कि क्या क्या उसमें चीज़ें होती है, कैसे ग्राउंड वाटर आता है, रिचार्जिंग का प्रोसेस, वो सब देख लिया। अब ये जो रिचार्जिंग का प्रोसेस होता है ये मैंने क्या बताया था, ये रेन से होता है, तो रेन क्या हुआ यहाँ पे, एक नेचुरल रिसोर्स हुआ, तो नेचुरल रिसोर्स से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, रिचार्ज मतलब फुल फिर से रिप्लेनिश्ड हो जाता है, भर जाता है। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी के अंदर तो पानी इकट्ठा हो गया, अब हम इस पानी को यूज़ कैसे करें, पानी तो बहुत ही डीप चला गया ना, जैसे कि मैंने कहा कि इतना डीप है कि आप अगर खुद से खोदोगे तो नहीं खोद पाओगे, ओके, मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, इतना डीप पानी चला गया, तो अब हम लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे, अब हम उसको कैसे निकालें, तो इसके भी बहुत सारी चीज़ें आपने नॉर्मली भी देखे होंगे अपने विलेजेस में या फिर आपके आसपास भी होंगे कहीं पे, ठीक है, आप ये देखे होंगे। अब बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हैंड पंप्स, वेल्स, ओके, बोर वेल्स, ट्यूब वेल्स, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो ग्राउंड के अंदर पानी होता है ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए, ओके। सो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स लगे रहते हैं, तो आप जैसे कि थोड़े, मतलब लाइक थोड़े क्या, मतलब जैसे कि आप अपने एरियाज में भी कहीं कहीं बीच में देखे होंगे कि हैंडपम्प्स होते हैं, ओके। तो ये जो हैंडपम्प्स होते हैं आपको सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा दिखता है, इसके जो नीचे का हिस्सा होता है वो बहुत ही बड़ा पाइप होता है जो कहाँ तक रहता है, अंदर तक रहता है, एक्वीफायर्स तक रहता है, ठीक है। जितना आप, मतलब जितना आप उस पर वो लगाओगे, मतलब जितना गवर्नमेंट उसको डीप बनाती है, वो तो खुद ब खुद जब पानी कम होता है तो वो खुद ब खुद डीप करती जाती है, ठीक है, मशीन्स आते हैं उसको डीप करने के लिए, ओके, एंड वो डीप में रहता ही है, जिसकी वजह से जितना भी पानी अंदर होता है वो क्या होता है, इसकी वजह से ऊपर आ जाता है, एंड जब आप अपने हैंडपम्प को क्या करते हो, पुश करते हो, तो यहाँ से आपका जितना भी पानी है वो बाहर आ जाता है, ओके। सो हैंडपम्प्स तो सबने यूज़ किए हैं। अब नेक्स्ट क्या है, वेल। वेल हमने सबने देखा है, वेल कितना दिखता है, मान लो आपकी जो अभी हाइट होगी उतना ही जो वेल होता है ना उसका, आपकी जो हाइट होगी उतना ही जो, मतलब वेल होता है उसका बाहरी हिस्सा दिखता है, ठीक है। आप, मतलब आपसे अगर आपके मम्मी पेरेंट्स जो उसकी हाइट होगी ना, उससे क्या होगा, उसके बाहर का हिस्सा दिखेगा, ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या लगा रहता है, उसके ऊपर जो वेल होता है उसका क्या होता है, आप, मतलब जितनी आपकी आपकी हाइट है अभी उतना ही वो आपको बाहर दिखता है। तो आप लोग सोचते हो कि वेल के अंदर से कैसे पानी आता है, लेकिन जनरली बहुत सारे लोग वेल देखे नहीं रहते क्योंकि अब वेल बहुत ही कम दिखता है, लेकिन जो वेल होते हैं वो कितने अंदर होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डीप डिग्ड होते हैं, और उसको क्या किया जाता है, ब्रिक से कवर किया जाता है, एंड बाहर बस थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा जाता है जिसकी वजह से आप रोप के मदद से बकेट डाल के पानी निकाल सकते हो, ठीक है, मैन्युअली निकाल सकते हो, ओके। कहीं पे मोटर्स भी लगे रहते हैं एंड मैन्युअली भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो जितना वेल आपको बाहर दिखता है उतना ही वेल नहीं होता है। अगर आपने रियल लाइफ में वेल देखा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बोरवेल्स। ठीक है, सो जो बोरवेल्स होते हैं जो ट्यूबवेल्स होते हैं सेम काम करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अभी हमने क्लियर कर दिए कि कितने कितने टाइप्स होते हैं ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो ग्राउंड वाटर होते हैं ना, आज के ज़माने में जो ग्राउंड वाटर है ना, ये भी रिप्लेनिश्ड नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे, इसका रीज़न हम लोग देखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कि अब हमने देख लिया कि पानी को हम बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर को बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ग्राउंड वाटर है ये भी क्या हो रहा है, ये जो अंदर ग्राउंड वाटर होता है, मॉनसून इतना, मतलब अभी मॉनसून भी इतना कम होता है, फिर जो ग्राउंड वाटर होता है ना, इतना कम हो गया है कि इन सारी चीज़ों की वजह से भी अब हम लोग इसको नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इसके जो रीजंस हैं रिचार्ज ना होने के, ये क्या रीजंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, और जो तीनों रीजंस हैं आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, समझने वाली यहाँ पर बात है। ओके, अब तीन रीजंस क्या हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। अब इन तीनों रीजन से आप लोग सोचोगे कि कैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से कैसे मतलब ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, वो तो मिट्टी के अंदर है, फिर इंडस्ट्रीज से कैसे हो रहा है एंड एग्रीकल्चर से कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो इंक्रीजिंग जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा, मान लो इतने सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो जो लोग इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे उनके लिए रिक्वायरमेंट्स ही बहुत ज़्यादा होंगे, सबके लिए शॉप्स चाहिए, एक शॉप में सामान ख़त्म हो जाएगा, फिर पार्किंग एरियाज चाहिए, फिर घर चाहिए, सबको अपना अपना खुद का घर चाहिए, एरियाज चाहिए, बिल्डिंग्स में रहते हैं सब लोग। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक लैंड पर बनती है, अभी जो लैंड है पूरे वर्ल्ड में क्या है, लिमिटेड है, लोग क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जब लैंड इतना ही है तो मैंने बताया था कि पानी अंदर कैसे जाता है, ग्राउंड के अंदर ग्राउंड वाटर बनता कैसे है, जब वाटर सीप इन करता है छोटे छोटे पोर्स में से। अब मान लो इन्हीं पोर के ऊपर सीमेंट लग जाए, सीमेंट के ऊपर इतना बड़ा बिल्डिंग खड़ा हो जाए, ठीक है, तो कैसे, बिल्डिंग के अंदर से थोड़े ना पानी जाएगा मिट्टी के अंदर, या फिर जब सीमेंट के इतने सारे मान लो फुटपाथ बन गए हैं, फुटपाथ के अंदर से कैसे जाएगा, तो पूरा सीमेंट का बन जाता है ना, सीमेंट के अंदर से कैसे हम लोग ग्राउंड वाटर इकट्ठा कर सकते हैं, है ना, हर जगह लाइक इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े मतलब लाइक हम लोग कह सकते हैं सीमेंटेड एरियाज बन रहे हैं। तो सीमेंट के अंदर से आप सोचो कि पानी, अगर बारिश हो रही है, मान लो बारिश भी अच्छे से हो रही है एंड सब कुछ अच्छे से हो रहा है, लेकिन ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है हमारे ऊपर, ये तो सीमेंट के अंदर से कैसे अंदर जाएंगे, है ना, यही प्रॉब्लम हो रहा है अभी के टाइम में। पॉपुलेशन बढ़ रही है, शॉप्स बढ़ रहे हैं, तो शॉप्स अच्छे बनाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो एक तो अपना मतलब जो शॉप बना रहे हैं उसके नीचे तो उनको पूरा सीमेंट का बैरिकेडिंग लगाना पड़ेगा, अब उसके आसपास के एरिया में भी वो क्या कर दे रहे हैं, सीमेंटेड एरिया कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीमेंटेड टाइल मतलब कुछ भी लगवा दे रहे हैं, मार्बल्स, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर जो वाटर का सीपेज हो रहा है ना वो कम हो रहा है, क्योंकि किसी भी मान लो मार्बल्स लगा है किसी बड़े मॉल के आगे, मतलब बहुत दूर तक लगा हुआ है, ठीक है, एंड कुछ एरिया है कॉलोनी जहाँ पे पूरा अच्छे से सब कुछ लगा हुआ है। अब मान लो इतने बड़े एरिया को ये सब सीमेंट और इन सारी चीज़ों ने कवर कर लिया, तो पानी अंदर कैसे जाएगा, ठीक है, तो यही रीज़न बनता है पॉपुलेशन के रीज़न से पानी अंदर सीप ही नहीं हो रहा है। एंड इसके वजह से ये भी एक रीज़न बन सकता है कि जब सब कुछ सीमेंटेड हो गया है, सब कुछ बैरिकेटेड हो गया है, तो क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, ठीक है, क्योंकि जब पानी अंदर जा नहीं रहा है क्योंकि सीमेंट आ गया है, तो उसके वजह से क्या होगा, पानी ऊपर इकट्ठा होगा, मतलब जो उसका लेवल होगा वो इंक्रीज होगा अप हाई में, ठीक है, तो फ्लड्स क्रिएट होंगे। अब ये हमने देख लिया, अब एक और चीज़, अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से ही इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज भी है रिलेटेड, जब लोग इतने ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज को भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, लोग जब इतना खाएंगे तो लोगों के लिए भी शॉप्स, तो शॉप्स के अंदर कहाँ से सामान आते हैं, इंडस्ट्रीज से ही आते हैं ना, जितने भी आपके फूड्स आते हैं या फिर जितने भी चीज़ें होती हैं सब इंडस्ट्रीज से ही
गुजर कर आते हैं, ठीक है। सो अब ये जो इंडस्ट्रीज इतने बड़े बड़े एरिया में बनती है, ठीक है, आपने इंडस्ट्रीज देखा नहीं तो आपने सुना ही होगा कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, तो इन सब में इतने बड़े बड़े मतलब लाइक छोटे छोटे एरियाज होते हैं जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये लोग भी किस में कवर होते हैं, एक चीज़ के अंदर कवर होते हैं। तो ये जब इतना ज़्यादा एरिया लैंड का कवर कर लेंगे तो पानी कहाँ से सीप होगा, इसके वजह से भी इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी क्या होता है, मतलब हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल होता है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बारिश हो रही है अच्छे से लेकिन पानी अंदर नहीं जा रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। जब ये तीनों चीज़ें ना हमारे पहले थिंग से रिलेटेड है, अब देखो मान लो लोग ही कम रहेंगे, पॉपुलेशन ही कम रहेगा, तब भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज़ भी नहीं होंगी, जितने इंडस्ट्रीज़ एक कंट्री में हो उतने ही रहेंगे, लोग कम हैं। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी तो बढ़ रही हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा लोग फार्मिंग में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों को खाना भी चाहिए ना। यहाँ पे देखो आप, पहली चीज़ में हमने देखा कि शॉप्स बनाने पड़ रहे, तो शॉप्स के अंदर जो सामान आते हैं वो इंडस्ट्रीज से आता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो सामान आता है वो तो एग्रीकल्चर से ही आता है ना, तो एग्रीकल्चर के लिए भी अब आप लोग सोचो कि एग्रीकल्चर तो लैंड पे होता है, वहाँ पे तो सिर्फ क्रॉप्स लगे रहते हैं, लेकिन जो क्रॉप्स लगे रहते हैं उनके लिए भी तो क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए होगा ना, तो वहाँ तो वेल्स होते हैं, तो वो लोग वेल्स में से पानी निकालते ही होंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ इन सारी इन दोनों रीजंस की वजह से क्या हो रहा था, ये पानी सीप ही नहीं हो रहा था, और जब सीप हो रहा है थोड़ा भी तो क्या हो रहा है, जो फार्मिंग इलाकों में लोग हैं मतलब जो भी काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, वो ये जो बचा खुचा पानी है उनको निकाल के क्या कर रहे हैं, मतलब अपने लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, ये गंदी बात नहीं है, मतलब अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इन सारी चीज़ों के वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो वाटर का लेवल है वो कम हो रहा है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन नहीं रहेगा तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा, ओके। सो ये हमने यहाँ पे तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेन टॉपिक था इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगा होगा ज़्यादा ले लिया, ओके। अब नेक्स्ट, अब ये सब हमने देख लिया, अब इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए मतलब अपनी हमने जितनी चीज़ें देखी इन सारी चीज़ों को क्या करना होगा, हमें अगर बचाना है ग्राउंड वाटर को तो क्या करना पड़ेगा, अपना घर बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने घर में वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ये क्या होता है, ये ऐसा मतलब मान लो यहाँ पे मैं एक बिल्डिंग बना रही हूँ, फिर एक छोटा सा घर ही बना रही हूँ, ओके। सो इस घर में आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, इससे आप क्या करोगे, आपका जो लाइक आपका जो छत होता है, ठीक है, आप जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आप क्या करोगे वहाँ पे, आप जब भी मॉनसून सीज़न आते हैं तो क्या होगा, अगर आपने वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस लगाया होगा तो उससे क्या होगा, जितना भी पानी हमारे मतलब हमारे छत पे कलेक्ट होता है वो क्या होगा, पाइप के थ्रू आपके बड़े बड़े टैंक्स में कलेक्ट हो जाएगा, जिसको आप पूरे साल फिर कुछ महीने तक तो यूज़ कर ही सकते हो ना, तो वैसे आप उसको रीयूज़ भी कर लोगे जो आपका रेन वाटर आता है, ठीक है। अगर वो मिट्टी के अंदर नहीं जा रहा है आपके घर के मदद से तो आप खुद ही उसे बचा के यूज कर लो, है ना, ये भी अच्छा प्रोसेस है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग, ये तो आप सबको पता ही है, ठीक है, तो रेन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये आएगा कि अब मान लो जब इतना सारा चीज़ हो रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमने देख लिया, अब एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ बात करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में हम ये कर सकते हैं कि अगर आपको मतलब लाइक वेल से पानी कम आ रहा है तो आप क्या करो, यही रेन हार्वेस्टिंग का प्रोसेस जितने भी फार्मर्स होते हैं अपने घर में लगाएं, जिसके वजह से क्या होगा, अगर आप इसी बड़े बड़े टैंक्स को कलेक्ट करोगे, मतलब टैंक्स को जब टैंक्स पे पानी कलेक्ट कर लोगे तो आप इसी टैंक्स के पानी को लाइक रीयूज़ कर सकते हो अपने फील्ड में एग्रीकल्चर को करने के लिए, ठीक है। सो ये भी बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस जितने भी लोग होते हैं उन सबको करना चाहिए, ओके। सो ये हमने क्या देख लिया, ऑल अबाउट ग्राउंड वाटर के ऊपर जितना टॉपिक था वो हमने देख लिया, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लास्ट सब टॉपिक फॉर दिस चैप्टर्स पार्ट टू ऑफ इंट्रोडक्शन इज अबाउट ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। सो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा टेक्निक होता है और टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूब्स डिलीवर वाटर डायरेक्टली टू इट्स
बेस। तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, लेकिन ये जो टेक्निक होता है क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एंड एक्सपेंसिव तो होता है, लेकिन अगर कोई फार्मर इससे एक बार लगवा दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। अब देखते हैं कैसे। अब ये जो ड्रिप इरीगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, टेक्निक, क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्निक। इससे क्या होता है, कुछ नैरो ट्यूब्स कनेक्ट किए जाते हैं, कहाँ, जो एक एक प्लांट का जो बेस होगा ना, जहाँ पे उनके रूट होंगे, वहाँ पे नैरो ट्यूब्स को कनेक्ट किया जाता है, जो क्या करते हैं, वाटर को वहाँ तक डायरेक्टली पहुँचाते हैं, ठीक है। एंड ड्रिप क्यों नाम रखा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, समय मतलब जब भी टाइम होता है उसका, तब वो ड्रिप बाय ड्रिप, थोड़े ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को वहाँ पे पहुँचाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली टू द बेस, ठीक है। इससे क्या होगा, पानी पहली चीज़ तो ड्रिप में जा रही है पानी, ठीक है, तो ड्रिप से क्या होगा कि कम पानी यूज़ होगा एंड उसको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। फ़ायदा क्यों होगा, क्योंकि बेस पे डायरेक्टली पानी जा रहा है ना, बेस यहाँ पे मेन चीज़ है, ओके, बेस पे पानी जाता है एंड एकदम वहीं पे रूट्स में ही कनेक्टेड होता है, ओके। सो ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि मान लो एक एक प्लांट के लाइक रूट्स तक आप इसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा महंगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा नॉर्मल फार्मर्स के लिए, ठीक है। सो ये नॉर्मल फार्मर्स के लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन अगर जिसने लगवा दिया, जिनके पास इतना है, तो वो अगर लगवा दिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे वाटर का कम इस्तेमाल भी होगा, ठीक है, वाटर का लो यूसेज होगा एंड आपको जो मतलब लाइक बेनिफिट होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा, हाई होगा, क्योंकि आपके उस पे रूट्स पे जा रहा है डायरेक्टली पानी। अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो कहीं लीव्स पे रह जाता है, कहीं इधर रह जाता है, कहीं उधर रह जाता है, बाहर इधर उधर गिर जाता है, ऐसे आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है, स्प्रिंकलर सिस्टम मेथड, लेकिन जो इसमें लिखा नहीं हुआ है तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो स्प्रिंकलर मेथड में क्या होता है ना, सेम मेथड है, लेकिन इसमें क्या होगा ना, एक एक प्लांट के रूट्स पे नहीं कनेक्टेड होता है, मतलब जो नैरो ट्यूब्स होता है वो क्या होता है, एक जैसे स्प्रिंकलर होता है ना पार्क में, तो क्या होगा ना, ये बीच बीच में कहीं कहीं से इसका ओपनिंग होगा और यहाँ पे जो वाटर होगा ना स्प्रिंकल होगा टाइम टू टाइम, अगर आप पाइप को ऑन करोगे तो स्प्रिंकल होगा, मतलब कुछ कुछ दूरी पर इस टाइप के स्प्रिंकलर्स होंगे जो क्या होंगे, प्लांट के अंदर स्प्रिंकल कर देते होंगे पानी को, ठीक है। स्प्रिंकल से भी क्या होगा, एक ही बार इतने बड़े पाइप से पानी डालने में या स्प्रिंकल करने में कितना अंतर है, तो स्प्रिंकल से भी कम पानी यूज़ होगा एंड ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये दोनों सिस्टम्स हमने क्या देखे, इरीगेशन में मदद करेंगे, ओके। अब ये हमने यहाँ पे देख लिया, यहीं पे हमारा जो चैप्टर है 16th चैप्टर क्लास 7th के साइंस का यहीं पे ख़त्म होता है, वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स का पार्ट टू ऑफ इंट्रोडक्शन। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।